इस साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट T20 विश्व कप अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में सभी टीमें जुट चुकी हैं और इसके लिए सभी खिलाड़ियों की ये कोशिश है कि वे ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें ताकि वे वर्ल्ड कप के लिए अपनी कमर कस सकें। हाल ही में भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप तक का शेड्यूल भी सामने आया है, जो काफी लंबा होने वाला है, जहां हमारी इंडियन टीम कई विदेशी दौरे करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय टीम के आने वाले सीरीज के बारे में। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, 9 जून यानी कि कल से शुरू होने जा रही है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला, जो कि भारत में ही खेली जाएगी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे KL राहुल, वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा और कई फ्रंट लाइन प्लेयर्स को आराम दिया गया है। वहीं हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी भी हुई है, साथ ही उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह सहित कई नए चेहरों को भी टीम में मौका मिला है। आखिरी बार जब ये दो टीमें खेली थी तो भारत के हाथ हार लगी थी। भारत का आयरलैंड दौरा, जून के अंत में भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसमें कई युवा खिलाड़ी और IPL के राइजिंग स्टार्स को मौका दिया जाएगा और कुछ खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं खेल पाएंगे उन्हें भी मौका मिलने की संभावना है। भारत का इंग्लैंड दौरा, भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से सीरीज का 5वां टेस्ट खेला जाएगा, जो पिछले वर्ष कोविड के चलते नहीं खेला गया था, जहां टीम की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा, वहीं विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी भी टीम में वापसी करेंगे। फिलहाल भारत 2-1 से आगे है। इसके अलावा भारत वहां 3 ODI और 3 T20 सीरीज भी खेलेगा, जिसका स्क्वाड भी अनाउंस नहीं हुआ है। भारत का वेस्टइंडीज दौरा, भारत और वेस्टइंडीज के बीच जुलाई अगस्त में 3 ODI और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। ये मैच वेस्टइंडीज में ही होंगे। पिछली बार 2019 में भारत ने दोनों ही सीरीज में वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया था। भारत का श्रीलंका दौरा, भारत और श्रीलंका के बीच अगस्त में 2 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। आखिरी बार जब ये दो टीमें भिड़ी थी तो बाजी भारत ने 3-0 से मारी थी। 27 अगस्त 11 सितंबर तक श्रीलंका में एशिया कप 2022 खेला जाएगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका की टीमें खेलेंगी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज, सितंबर में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत में 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। आखिरी बार जब ये दो टीमें खेली थी तो भारत ने बाजी मारी थी। T20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, जहां भारत अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। तो दोस्तों, ये है वो घरेलू और विदेशी दौरे जिन्हें खेल भारतीय टीम T20 विश्व कप के लिए अपनी कमर कसेगी और कई युवा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके भी मिलेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि भारतीय टीम इस बार की वर्ल्ड कप विजेता बने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।